जब भी आप आधार बेस्ड ई केवाईसी से न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या पैन कार्ड करेक्शन करते हैं, तो जो डिफॉल्ट आपके आधार कार्ड में फोटो रहता है वो तो आपके पैन कार्ड में आ जाएगा, लेकिन सिग्नेचर के जगह पर एक सिर्फ व्हाइट पट्टी वहां पर आएगा और वो खाली रहेगा। वहां पर आपसे बोला जाएगा कि इसमें आप खुद से सिग्नेचर कर लीजिए। किसी अथॉरिटी को आप ये पैन कार्ड सबमिट करेंगे और देखेगा कि इसमें मैनुअल साइन किया हुआ आपका, तो वो पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या यूं कह लीजिए कि आपके पैन कार्ड में फोटो या सिग्नेचर आपको मन पसंदीदा लगाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करेंगे तभी जाकर के आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे NSDL पैन कार्ड, देन पहला वाला जो लिंक है इसे ओपन कर लेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है, एप्लीकेशन टाइप पर आना है। नीचे में आप देख सकते हैं चेंजेस और करेक्शन। कैटेगरी टाइप में आपको इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, देन टाइटल में आप अपना टाइटल सेलेक्ट कीजिएगा, देन लास्ट नेम आपका जो होगा वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, देन फर्स्ट नेम दीजिएगा। आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, फर्स्ट नेम में कोई भी एस्ट्रिक मार्क नहीं है लेकिन लास्ट नेम में, इसका मतलब है यदि आपके नेम में सिंगल लेटर है तो सिर्फ आप लास्ट नेम यानी कि सर नेम में दीजिएगा। उसके बाद आपका कोई मिडिल नेम है तो दे सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इन केस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करना है तो उस चीज को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो ये भी आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी कौन से पैन कार्ड में रखना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर कौन सा रखना पैन कार्ड से लिंक वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर आएंगे, यस करेंगे, पैन कार्ड का नंबर जो भी होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको अपना टोकन नंबर जनरेट होकर के मिल जाएगा, जिसे आपको कॉपी करके रख लेना है। इन केस आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं तो इसी टोकन नंबर की वजह से आप एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। देन नीचे में आप देख सकते हैं कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। अपनी पसंद का फोटो और सिग्नेचर लगाने के लिए आप इस मिडिल वाले पर क्लिक करेंगे तो आधार से भी आपका OTP लेगा, लेकिन यहाँ पर आप अपना मन पसंद का फोटो और सिग्नेचर लगा सकते हैं। देन फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक रहने देना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट एंटर कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेम, एज पर आधार आपका क्या है यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि आपको अपना नेम में करेक्शन करना है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा नेम वाले पर, और जो भी आपको करेक्शन करना होगा आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नेम करेक्शन नहीं करना है, जो हमारा पहले से है वही सही है, तो आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, जेंडर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली आपका जो भी जेंडर होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप देख सकते हैं फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच, पहले से इसमें ऑटोमेटिक टिक है, यही हमें करेक्शन करना है तो आपको इसे टिक रहने देना है। यदि डिटेल्स ऑफ पेरेंट में आपको करेक्शन करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये सब हाईलाइटेड हो जाएगा। यदि आप ये सब अपडेट नहीं करना है तो इन सब को आपको खाली छोड़ देना है। नीचे की ओर आएंगे, फादर्स का लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है जो मैंडेटरी है। फादर का फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, फादर्स का मिडिल नेम है तो आप डालिएगा, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिएगा। सेम आपको केस यही मदर्स में भी करना है। पैन कार्ड में किन का नाम छप करके आएगा, माता का या पिता का, सिंपली फादर्स के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। देन नीचे में आप देख सकते हैं नेक्स्ट। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के ऑप्शन पर आ जाएंगे, सिंपली आपको रेजिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। एड्रेस के सेक्शन में आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो सबसे पहले आपका फ्लैट, रूम या डोर नंबर जो होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। प्रीमिसेस, बिल्डिंग नेम या गाँव का नेम जो भी होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। स्ट्रीट लेंथ, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे डाल देना है। सब लोकेलिटी नाम क्या है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा, सिंपली आप यहां पर लिखेंगे IND तो आपका इंडिया यहां पर आ जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका पिन कोड क्या है यहां पर डाल दीजिएगा। देन नीचे में आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं नया वाला, सिंपली हम करना चाहते हैं इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। और कंट्री कोड में सबसे पहले आपको यहाँ पर IND सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एरिया या STD कोड आपको डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर आपने जो डाला आ जाएगा, ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि आपके पास पहले से कोई पैन कार्ड है आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये जो प्रोसेस था पहले वर्क करता था, अभी यदि आपके पास पहले से कोई पैन कार्ड है सरेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो प्रोसेस अब काम नहीं करता है।
सिंपली आप इसे अनचेक रहने दीजिएगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आप आ जाएंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या देने वाले हैं, सिंपली हम लोग यहां पर सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ में आप क्या देने वाले हैं, यहां पर भी हम लोग देने वाले हैं आधार कार्ड। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, तो यहां पर भी हम लोग टाइप करेंगे आधार कार्ड। और प्रूफ ऑफ पैन में आप क्या देने वाले हैं, तो हमारे पास पैन कार्ड का कॉपी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉपी ऑफ पैन कार्ड। डिक्लेरेशन में आएंगे, यहां पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है। देन यहां पर आप देख सकते हैं हिमसेल्फ हरसेल्फ, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आप कितने डॉक्यूमेंट एनक्लोज करने वाले हैं, उसके बाद यहां पर कौन से शहर से बैठ करके आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, सिंपली उसका नेम आपको यहां पर टाइप कर देना है। देन आप देख सकते हैं अपलोड फोटो और सिग्नेचर के सेक्शन में आप आ जाएंगे। फोटो आपको यहां पर अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं जेपीजी होना चाहिए, डीपीआई 200 होना चाहिए, फोटो कलर में होना चाहिए, उसका डायमेंशन साइज आप देख सकते हैं, उसका फोटो का कंप्लीट साइज जो है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सिग्नेचर में जो फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए, 200 डीपीआई में होना चाहिए, कलर होना चाहिए और उसकी साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसका जो साइज है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको रेडी कर लेना है। सिंपली गूगल पर आकर के आपको लिखना है NSDL पैन कार्ड फोटो और सिग्नेचर, तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे टूल मिल जाएंगे जो आपको फोटो और सिग्नेचर रेडी कराते हैं। किसी एक टूल पर चल जाइएगा, मैं इस वाले साइट पर आया हूँ pancardresizer.com। सिंपली यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले फोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट। कौन से साइट के लिए आपको कराना है, यूटीआई के लिए या NSDL के लिए, अभी हम लोग NSDL पर है तो NSDL पर क्लिक करेंगे। और ये फोटो है या सिग्नेचर है, तो हमारा ये जो है ये फोटोग्राफ है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं नेक्स्ट। तो हमारा फोटो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया है। आप चाहे तो इसे ब्राइटनेस इसकी बढ़ा घटा सकते हैं, सारा चीज आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का आइकन आपको मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, डाउनलोड करेंगे। यहाँ भी हमारा सिग्नेचर होगा, सिंपली उसे यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। अपना सिग्नेचर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, नेक्स्ट करेंगे। NSDL के लिए है और सिग्नेचर है, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो सिग्नेचर जो हमारा है यहाँ पर रेडी हो गया है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का बटन, देन डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों ही यहाँ पर रेडी हो गया है। सिंपली इसे अपलोड करेंगे, फोटो को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो भी हमारा अपलोड हो गया है और सिग्नेचर भी हमारा यहाँ पर अपलोड हो गया है। देन आप यहां पर देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो हमें यहां पर दो प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पहला जो है हमारा आधार कार्ड जो प्रूफ है, उसके बाद पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करना है, मिला करके दो हुए, ठीक है। तो यहां पर आपको दो कर लेना है, तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आएंगे और यहां पर आपको दो कर लेना है। डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्टेड होगा वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में होगा और उसका साइज 300 KB से आपको ज्यादा नहीं रखना है। हमारा जो साइज है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कंप्रेस कर लिया है, आप देख सकते हैं आधार का जो कंप्रेस्ड साइज है, इसकी साइज मैंने यहाँ पर रखा है सिर्फ 164 KB, यानी कि ये 300 KB से नीचे है, तो हमारा काम इससे बन जाएगा। सिंपली अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और पहला जो हमारा आधार कार्ड है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा जो हमारा यहाँ पर पैन कार्ड का कॉपी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड का बटन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आधार कंप्रेस्ड और पैन कार्ड का कॉपी यहां पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। नीचे में आप देख सकते हैं सबमिट का बटन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो गया है, बस आपको यहाँ पर कंफर्मेशन कराया जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, फर्स्ट बार में आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट दिए थे, इस बार में आपको आधार कार्ड का 8 डिजिट दे देना है। उसके बाद नीचे की ओर आपको स्क्रॉल कर लेना है। सारा कुछ मैच करा लेने के बाद यदि आपको कहीं पे लगता है कि कहीं पे करेक्शन करने का जरूरत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का बटन मिल जाएगा, क्लिक करके जा करके वहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। यदि सारा कुछ सही रहता है तो आप देख सकते हैं प्रोसीड। उसके बाद पेमेंट के मोड पर आ जाएंगे, पेमेंट कैसे करना है, पेटीएम से या बिल डेस्क से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन कंफर्म पेमेंट के पेज पर आएंगे, सिंपली आप देख सकते हैं पे कंफर्म। उसके बाद यहाँ पर QR कोड खुल जाएगा, सिंपली इस पर आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन स्टेटस आप देख सकते हैं सक्सेस, सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू। देर आपका आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर किया जाएगा, सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, इस टर्म्स कंडीशंस पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, देन नीचे में आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट, देन जो है इस प्रकार से आ जाएगा, सिंपली आप देख सकते हैं OTP जनरेशन क्लिक कीजिएगा, देन इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। OTP वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, OTP को सिंपली आपको यहां पर डाल देना है,
देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सब। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू विथ ई साइन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आप देख सकते हैं सेंड ओटीपी का बटन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आप देख सकते हैं वेरीफाई ओटीपी। ई साइन कंप्लीट हो जाने के बाद एक्नॉलेजमेंट जो है वो पीडीएफ में डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग द ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ पैन एप्लीकेशन। ये पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, जिसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। शुरू में आपको दिन डालना है, दिन मंथ डालना है, उसके बाद डेट ऑफ ईयर डालना है। तो ऐसा कर लेने से आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आ गया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको सबसे ऊपर में मिल जाएगा, जिसे आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको पूरा इसका प्रीव्यू एक बार मिला करके देख लेना है। इसमें आपका आधार कार्ड भी अटैच रहेगा और इसमें आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच रहेगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं होम पेज के ऑप्शन पर आपको आ जाना है। देन यहां पर आप देख सकते हैं नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन। देन यहां पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला था आपको यहां पर डाल देना है। इस कैप्चा कोड को आप यहां पर डाल दीजिएगा। देन फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो ऐसा कर लेने से पैन कार्ड का स्टेटस जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करने के लिए मिनिमम टाइम आपको 2 से 3 दिन लग जाता है। जैसा ही पैन कार्ड आपका करेक्शन हो जाएगा वो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। देन कुछ दिन बाद बाय पोस्ट वो आपको एड्रेस पर भी पहुंच जाएगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो इस प्रोसेस से 2024 में आप अपने पैन कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कंटेंट्स अपलोड होते हैं।